अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं जनाब? क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त? तस्वीर में उलझे हुए हैं? ओ हो, तस्वीर समझ रहे हैं? हाँ, कल हमने तस्वीर देखी थी ना, एक अच्छी सी। हाँ, जिसमें क्या क्या था? अच्छा, उसी में आप अभी उलझे हुए हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ में उनको भी दिखाई थी और ये सोच रहे हैं कि उस तस्वीर में आखिर हो क्या रहा था। ओहो, अच्छा, तस्वीर में जो जो चीज़ें मौजूद थी वो आपको अच्छे से याद है कि उसमें कौन कौन था, कौन क्या कर रहा था, क्या चीज़ें रखी हुई थी, कौन बैठा हुआ था, सब याद है, सब याद है। चले भाई, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आज उस तस्वीर की कहानी सुन लेते हैं, है ना? सुन लिए कहानी? हाँ हाँ, सुनते हैं सुनते हैं। सबर सबर, वेट करें भाई अभी थोड़ा सा। पहले ऐसा करते हैं कि दोबारा से तस्वीर देख लेते हैं, कहीं ये ना हो ना कि कोई तस्वीर में कोई ऐसी चीज़ हो जो हम भूल गए हों, फिर मज़ा नहीं आएगा कहानी सुनने का, है ना? नहीं आएगा ना कहानी सुनने का मज़ा। तो हम क्या करते हैं भाई, क्या करें बताएं जी? अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर 63 यहाँ पे खुल गया है हमारा और यहाँ पे वही तस्वीर मौजूद है। जल्दी से देखते हैं भाई कि इस तस्वीर में क्या क्या था। ये कौन थी भाई, जल्दी से बताइए? अम्मी जान। बिल्कुल, अम्मी जान के हाथ में क्या है भाई? गाजर, गाजर, गाजर। और गाजर के साथ में ट्रे में क्या रखी हुई है, कौन सी सब्जी है? गोभी। शाबाश, गोभी रखी हुई है, गाजर रखी हुई है, गोभी रखी हुई है। अच्छा जी, फिर देखें उनके बराबर में कौन बैठा हुआ है, उसका नाम क्या था, जल्दी से बताएं। कि बेटी लग रही है हमें, पता नहीं बेटी है कि कौन है, ये तो कहानी में पता चलेगा, लग रहा है। लेकिन उसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? गोगी। शाबाश, गोगी। और गोगी की गोद में कौन बैठा हुआ है, प्यारी सी गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। अम्मी जान है, काजर है, गोभी है और उनके साथ गोगी बैठी हुई है, गोगी के गोद में जी गुड़िया है। आपके पास भी गुड़िया है, आपकी बहन के पास गुड़िया है, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, अच्छी सी, प्यारी सी है। उसको तंग तो नहीं करते, उसके बाल तो ख़राब नहीं करते आप लोग, नहीं करते, वेरी गुड। अच्छा जी, ये सहन है, सहन में क्या रखे हुए इतने बहुत सारे, टमाटर नहीं, गमले, हाँ ये सब गमले रखे हुए हैं। गमलों में क्या लगा हुआ है भाई, कौन सा पौधा लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ था? हाँ, गुलाब का। शाबाश, गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। किसके पौधे लगे हुए हैं सब में? गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। और घर में दरवाजे से कौन आ गया था, कौन है ये? गाय, गाय जी भाई। हमने ये तस्वीर दोबारा से दोहरा ली है, आप सुनते हैं इसकी मज़ेदार सी कहानी। कहानी गौर से सुननी है, हाँ ठीक है, चलिए जी कहानी सुनते हैं। गोगी एक गोल मटोल सी बच्ची थी, गोगी को गुड़िया से खेलना बहुत अच्छा लगता था। उसकी एक प्यारी सी गुड़िया थी जो हर वक्त उसकी गोद में रहती थी। गोगी की अम्मी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, उन्होंने अपने घर के सहन में बहुत सारे गुलाब के गमले सजा रखे थे, जिससे उनके घर में हर वक्त गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आती रहती थी। एक दिन अम्मी सहन के बीच में मेज पर बैठी थी,
उनके सामने मेज पर गोभी और गाजर रखी थी। साथ ही गोगी अपनी गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी। अम्मी छुरी से गाजर काट रही थी कि अचानक घर के खुले हुए दरवाजे से एक गाय अंदर आ गई हो और गुलाब के फूलों को सूंघने लगी और गाने लगी। जी गाय गाने लगी, फूलों से खुशबू आती है, मुझको अपने पास बुलाती है। फूलों से खुशबू आती है, मुझको अपने पास बुलाती है। गाय को देखकर गोगी हैरान हुई और खुशी से तालियां बजाने लगी। अच्छा जी, वो गुलाब की भीनी भीनी खुशबू सूंघ के गाय घर के अंदर आ गई थी। अच्छी गाय थी, उसने गाय जिन्हें गमले तोड़े नहीं थे बल्कि वो उनको सूंघ रही थी, क्योंकि उसे भी वो खुशबू अच्छी लग रही थी, है ना। मजे की कहानी थी ना। हाँ जरा जल्दी से ये मुझे ये बताइए कि इस कहानी में गोगी की गोद में क्या था? कौन था भाई? गाजर थी गोद में? नहीं गाजर नहीं थी, गाय थी गोद में? नहीं, फिर क्या चीज थी? जी गोगी की गोद में गुड़िया थी। शाबाश, अम्मी क्या काट रही थी जल्दी से बताएं। हाँ अम्मी गाजर काट रही थी, गोभी बिल्कुल। अच्छा जी, घर में कौन दाखिल हो गया था? गाय, और गाय क्या सूंघ रही थी? बिल्कुल ठीक, गमले। गमलों के अंदर लगे हुए थे गुलाब के पौधे, तो गुलाब की खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी खुशबू। वो भीनी भीनी खुशबू सूंघ के अंदर आ गई थी, है ना। चलें जी जनाब, कहानी तो हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमने क्या करना है? तस्वीर दोबारा खोलिए अपनी, या तस्वीर हमारी मौजूद है, और तस्वीर में अब हम क्या करेंगे? तस्वीर में हम ये करेंगे जनाब कि हम इस तस्वीर में मौजूद जो हमारी मानो बिल्ली है उनका कहना मानेंगे, जिन्होंने कहा था कि रंग भरिए, तो हम भरेंगे अब रंग। कलर पेंसिल्स निकाल लीजिए, शॉप कर लीजिए। और इस तस्वीर में मौजूद हैं गमले, गुलाब के पौधे जो गमलों में लगे हुए हैं, गाय है, गोभी, गाजर, गोगी गोद में बैठी हुई है गुड़िया। इन सब पे हम रंग भरेंगे जी, इन सब चीज़ों पे हम अच्छे से रंग भरेंगे। कोशिश करेंगे रंग तस्वीरों से बाहर ना जाएं, अच्छे अच्छे रंग भरेंगे। अपनी टीचर को इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उनको कहानी सुनाएंगे, अपने पेरेंट्स से पहले रीचेक कराएंगे काम, फिर हम कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।